ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए किस तरह से सिरतन से जुदा गैंग एक्टिव होने के बाद अब हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जल्द से जल्द पुलिस को इन वीडियोस के आधार पर एक्शन लेना चाहिए। जो लोग इसमें इस तरह की नारेबाजी, नफरत की नारेबाजी करते सुनाई दे रहे हैं, उन पर फौरन एक्शन हो। और इससे जुड़ी एक अपडेट यह है कि अमरावती में सिरतन से जुदा गैंग पर एक्शन हुआ है। अमरावती से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, एक का नाम राहिल और एक का नाम हसन है। 8 से 10 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज हुआ है। सिरतन से जुदा नारे लगाने का केस इन पर दर्ज हुआ है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, अमरावती में एक्शन हुआ है इस गैंग पर और दो राहिल और हसन नाम के आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन इसके अलावा 8 से 10 अज्ञात लोग ऐसे हैं जिन पर केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें, सिरतन से जुदा को लेकर नफरती नारे इन लोगों ने लगाए थे और इस वीडियो के आधार पर अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नीरज शुक्ला जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी हमारे साथ। नीरज, क्या अपडेट है यहाँ पर? 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी पयोधी, जब से पूरा वीडियो वायरल हुआ था तब से जो विवाद है वो दिखने मिला था और अब पुलिस ने इस पूरे मामले में, हमने पहले जैसे जानकारी दी थी कि 8 से 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी और अब जो ताज़ा जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है, जिन पर IPC की धारा 153A और 5052 समेत मुंबई पुलिस एक्ट 135 के तहत ये कार्रवाई की गई है। यानी कि ये सभी लोग जानबूझकर इस तरीके की हरकत करते हैं, पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर इस वीडियो को देखें तो इसमें व्यक्ति सिर्फ नारे लगाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं बल्कि सुनियोजित तरीके से एक DJ कार्यक्रम किया गया है और DJ पर इस तरीके के जो विवादास्पद नारे हैं वो लगाए जाते हैं। और इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ जो अन्य 8 लोग और बताए जा रहे हैं उनकी तलाश में पुलिस जुट चुकी है। आपको बताएं कि महाराष्ट्र में ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि ये मामला उसी अमरावती से आता है जहां कुछ महीनों पहले उमेश कोहली को गला काटकर हत्या की गई थी और तब भी इसी तरीके के जो नारे थे वो बुलंद देखने मिले थे। जी पयोधी, नीलेश आप बने रहिएगा और अपडेट लेंगे आपसे। लेकिन आपको बता दें एक बार फिर से कि देश में क्यों हम बार बार कह रहे हैं सिरतन से जुदा जो गैंग है वो एक्टिव हो चुका है। जोधपुर से आजमगढ़ तक ये नफरती नारा लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा में भी सिरतन से जुदा के नारे लगे और आपको बताएं बराप्पा जुलूस में सिरतन से जुदा के नारे लगाए गए हैं और हिंदू संगठनों ने इसका कड़ा विरोध जताया है। वीडियो संज्ञान में आने पर पुलिस भी कार्रवाई में जुट चुकी है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये वीडियो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का है, जहां पर सिरतन से जुदा के नारे लगाए जा रहे थे और इस नफरती नारे के वीडियो के सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने एक बार फिर से इस पर कड़ा विरोध दर्ज करते हुए पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले हमने आपको बताया अमरावती में 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, वहां भी इस तरह की नारेबाजी हुई थी। और अब आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश का खंडवा, वहां पर भी किस तरह से बड़ी संख्या में ये नारेबाजी करते हुए नफरत फैलाने वाला वीडियो सामने आया है। पुरानी कोतवाली के पास कुछ नई उम्र के शरारती तत्वों द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाने के संबंध में 2 वीडियो संज्ञान में आए हैं। इस संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इन शरारती तत्वों की पहचान कराकर इनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इन्हें सांप्रदायिक गुंडों के रूप में चिन्हित कर इनके जिला बदर की कार्रवाई भी की जाएगी। पुरानी तो पुलिस ने इस पूरे वीडियो के सामने आने के बाद संज्ञान लेते हुए इस मामले में जांच आगे बढ़ा दी है। हालांकि लगातार पुलिस की कोशिश है कि वीडियो में जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं नारा लगाते हुए उन्हें फौरन उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अमेठी की ये तस्वीर अब आप देखिए, यूपी के आजमगढ़ में सिरतन से जुदा के नारे लगे। आपको बता दें कि कैसे नफरती नारे लगाए जा रहे हैं और हिंदू संगठनों ने इसका विरोध जताते हुए शिकायत की है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और जांच इस मामले में की जा रही है। अमेठी में भी सिरतन से जुदा के नारे लगे और ये वही की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, सुनिए आप किस तरह से नफरती नारे लगाए जा रहे हैं।
अमेठी के बाद देखिए जोधपुर की तस्वीर, यहाँ पर भी इस तरह से नफरती नारे लगाए जा रहे हैं, सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। पीपाड़ में ये नफरती नारा लगाया गया, ईद उल मिलाद के जुलूस में ये नारेबाजी हुई है और इस तरह से देखिए कैसे अशांति भंग करने की कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर हिंदू संगठनों का कड़ा विरोध है, जिसके बाद पुलिस भी अब एक्शन मोड में आ चुकी है। अमरावती में, खंडवा में मध्य प्रदेश की पुलिस ने इस पूरे वीडियो के सामने आने के बाद जांच तेज कर दी है और साथ ही इन वीडियो के जरिए देखिए, इन वीडियो में जिनको आप नारे लगाते देख रहे हैं इसी आधार पर, इस वीडियो के आधार पर इनको आइडेंटिफाई कर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।